हेलो एंड वेलकम बैक अब एक्सरसाइज सेवन पॉइंट वन का फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये प्रॉब्लम बेस्ड है असाइनमेंट प्रॉब्लम टॉपिक पर क्वेश्चन दिया है जॉब प्रोडक्शन हैज फोर जॉब्स ए बी सी डी विच कैन बी मैन्युफैक्चर्ड ऑन ईच ऑफ द फोर मशीन्स पी क्यू आर एस ओके तो यहाँ पे एक्चुअली नेमिंग का इशू है यहाँ पे जो नेमिंग होनी चाहिए थी देखिए फोर जॉब्स है ए बी सी डी यहां होना चाहिए था ए बी सी डी ए बी सी एंड डी और मशीन्स को हम वही रखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ यहां पे जो मशीन के नाम दिए पी क्यू आर एस वो होने चाहिए थे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ओके ना द प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ जॉब फॉर ईच मशीन गिवन इन द फॉलोइंग टेबल तो ये जो वैल्यूज दी हुई है ये है प्रोसेसिंग कॉस्ट ओके फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट टू मिनिमाइज द टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट ओके सो लेट्स बिगिन सबसे पहले है हमें कुछ चीजें चेक करनी होंगी फर्स्ट इज हमें चेक करना है कि इज दिस प्रॉब्लम अ बैलेंस टाइप तो इसमें चार रोज है और चार कॉलम्स है तो ये जो क्वेश्चन है ये कौन से कैटेगरी का है बैलेंस्ड कैटेगरी का सो दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड बिकॉज इट हैज इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स फिर हम चेक करेंगे कि इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं है यहाँ क्वेश्चन में तो कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं दिख रहे सो देर आर नो प्रोहिबिशंस या देर आर नो रेस्ट्रिक्शन इन दिस क्वेश्चन तो ये भी हमने चेक कर दिया ओके सो देर आर नो रेस्ट्रिक्शन हो गई है और ये जो क्वेश्चन है ये मिनिमाइज कैटेगरी का है तो ये भी हमने वेरीफाई कर दिया सो दिस इज ऑफ विच टाइप दिस इज ऑफ मिनिमाइज टाइप अब हम हंगेरियन मेथड इसमें यूज करेंगे तो सबसे पहले जो स्टेप आता है वो है रो रिडक्शन ओके हंगेरियन मेथड का जो सबसे पहला स्टेप है वो है रो रिडक्शन जिसे हम रो मिनिमाइजेशन भी कहते हैं अब इसमें एक एक रो हमको रिड्यूस uh, करना है अब कैसे रिड्यूस करेंगे देखिए तो फर्स्ट रो जो है ओके okay, इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट हम सिलेक्ट करेंगे अब इसमें से स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 25 और इस एलिमेंट को थ्रू आउट हम सब्रैक्ट कर देंगे उसी रो में से ये 31, 25, 33, 29. ये सब में से हम ट्वेंटी so, मिलेगा फिर ये आ जाता है एट एंड ट्वेंटी दिस विल बी फोर तो ये आ गया हमारा फर्स्ट रो अब सेकेंड रो में देखते हैं सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है ट्वेंटी वन तो so, ये चारों में से हम 21 वन कर देंगे so, 21, uh, sorry, 25 minus 21, ये आ जाता है 4, 24 minus 21, that is 3. 23 minus 21, ये आ जाता है टू एंड ट्वेंटी ट्वेंटी जीरो थर्ड रो में अगर हम देखें द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज नाइनटीन सो सप्रैक्टिंग नाइनटीन तो पहले आएगा 19-19 नाइनटीन माइनस नाइनटीन जीरोस्ट वैल्यू है थर्टी और तो सब्रैक्टिंग थर्टी फोर थर्टी है माइनस थर्टी फोर इज 38-34 सिक्स माइनस थर्टी 34 ये आ जाता है 2. 34 फोर माइनस थर्टी विल बी एंड फोर्टी माइनस थर्टी फोर विल भी सिक्स तो ये हमारा आ गया रो रिडक्शन वाला मैट्रिक्स अब इसके बाद सेकेंड स्टेप जो है वो है हमारा कॉलम रिडक्शन सो आफ्टर रो रिडक्शन वी गो फॉर कॉलम रिडक्शन अब यहां पर इस मैट्रिक्स का कॉलम रिडक्शन करना है तो अगर फर्स्ट कॉलम हम देखें तो मिनिमम वैल्यू है जीरो तो ये कॉलम तो एज इट इज रहेगा करेक्ट तो दैट विल बी सिक्स फोर जीरो फोर नो चेंज इसमें भी मिनिमम वैल्यू जीरो है तो अगेन तो सेम ये कॉलम आएगा जीरो थ्री टू टू इसमें भी स्मॉलेस्ट वैल्यू इज जीरो सो एट टू फोर जीरो लास्ट कॉलम में भी मिनिमम वैल्यू जीरो है तो ये आएगा फोर जीरो फाइव सिक्स तो बेसिकली कॉलम रिडक्शन से हमें कोई भी नया मैट्रिक्स नहीं मिला वही रो रिडक्शन वाला मैट्रिक्स ही आ गया आ गया अब इसके बाद जो हम स्टेप करेंगे वो है एलोकेशन जहां पे हम जॉब्स को असाइन करेंगे रिस्पेक्टिव मशीन्स को ओके सो वी हैव द नेक्स्ट स्टेप एलोकेशन या फिर असाइनमेंट ऑफ जॉब्स तो ये वाला मैट्रिक्स हम नीचे ले आते हैं सिक्स ज़ीरो एट फोर फोर थ्री टू ज़ीरो फिर आएगा ज़ीरो टू फोर फाइव एंड लास्ट इज फोर टू ज़ीरो सिक्स अब इसमें हम पहले लोकेट करते हैं सिंगल जीरो रो ऐसा रो जिसमें एक सिंगल जीरो हो, होना चाहिए तो अगर हम देखें इफ स्टार्ट स्कैनिंग फ्रॉम द फर्स्ट रो ये जो पहला रो है देखिए इसमें एक सिंगल जीरो है तो इस जीरो को हम क्या करेंगे एक बॉक्स में डाल देते हैं ओके और इसमें से एक वर्टिकल लाइन बना देते हैं और इस लाइन पर अगर कोई और दूसरा जीरो होगा उसे हम कैंसिल कर देंगे ओके सो सिंगल जीरो रो हमें मिला द फर्स्ट रो ओनली इज सिंगल जीरो रो उस जीरो को हमने बॉक्स में डाल दिया फिर एक वर्टिकल लाइन बना दी और इस पे अगर कोई भी और जीरो होता तो उसे हम कैंसिल कर देते अब तो यहाँ पे तो कोई दूसरा जीरो है नहीं फिर हम सेकेंड रो में जाएंगे सेकेंड रो में अगर हम देखें अगेन ये एक सिंगल जीरो रो है राइट right? तो अगेन वी ड्रॉ वर्टिकल लाइन ऊपर नीचे कोई भी दूसरा एक्स्ट्रा जीरो नहीं है थर्ड रो ये भी एक सिंगल जीरो रो है देखें राइट right? तो अगेन हम एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे यहाँ पे और कोई जीरो है नहीं कैंसिल होने के लिए एंड लास्ट रो में भी देखें तो अगर एक यहाँ पे एक सिंगल जीरो ही हमें मिल रहा है एंड अगेन वी ड्रॉ वर्टिकल लाइन ओके दूसरा कोई जीरो है नहीं तो बेसिकली चार असाइनमेंट्स हमें दिख रहे हैं चार असाइनमेंट्स हो चुके हैं और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है फोर बाय फोर और असाइनमेंट्स भी चार आ चुके हैं तो अभी हम सिर्फ असाइनमेंट यहाँ पे दिखाएंगे ये है ए बी सी डी और यहाँ पे है फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ तो जो असाइनमेंट्स होंगे वो होंगे ए विल बी गिवेन टू सेकेंड तो ये हमारे असाइनमेंट होंगे ए सेकेंड फिर बी फोर्थ बी फोर सी का पेरिंग होगा फर्स्ट के साथ सी फर्स्ट एंड आखिर में डी डी विल बी असाइंड द थर्ड वन ओके तो इस तरीके से हम ये असाइनमेंट प्रॉब्लम कंप्लीट कर सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो